बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त स्किन को फेयर करने वाला नुस्खा बताने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए विटामिन सी का सीरम बनाने जा रही हूँ। ये बहुत जबरदस्त सीरम है। जब आप इसको अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करेंगे, आपका चेहरा निखरा निखरा बेदाग हो जाएगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट है, उनका भी खात्मा कर देगा। साथ साथ अगर आपकी स्किन पर छाइयां बन रही हैं, उसको भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत एक ग्लो देगा। आपने सबसे पहले इधर लेनी है C1000 की विटामिन सी की टेबलेट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप विटामिन सी का कोई भी पाउडर जो है वो ले सकते हैं, एबट की भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। इधर मैं छोटा ब्लेंडर के अंदर इसको डाल के मिक्स करूंगी। आप किसी भी बाउल के अंदर डाल के स्पून के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और दूध डालना है। मिक्स कर लें इसको अच्छे तरीके से। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं या फिर उबला हुआ दूध ले सकते हैं। मिक्स करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस टाइप के मटेरियल में आ जाएगा। जैसे कि जो विटामिन सी है उसके बबल्स बने होंगे, आपने इसको किसी बॉल में ऐड कर लेना है। शहद डालनी है, हाफ टी स्पून आपने शहद को डाल लेना है। शहद डालने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी। अगर आप इसको एज मास्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बेसन, चावल का आटा, जो का आटा या फिर घर का प्लेन आटा वो भी डाल सकते हैं और इसको मिक्स करके एक थिक सी कंसिस्टेंसी में रख के अपने चेहरे के ऊपर एज मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों के दोनों तरीके बहुत ज़बरदस्त हैं। अपनी स्किन के ऊपर इसको लगा लें ऐसे। आपने जब भी बनाना है, नया बनाना है, पाउडर की मकदार को आप कम भी डाल सकते हैं और थोड़ा बना के उस वक्त यूज, और 15-20 मिनट बाद नॉर्मल पानी से धो लें। आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको एक बार बना के जरूर यूज़ कीजिएगा और अगर चाहें तो आप इसके अंदर बेसन को डाल के एज अ मास्क भी बना के यूज़ कर सकते हैं।